नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रीलीज प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये समझिए कि प्रीलीज प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी लीज पे चढ़ा हुआ है, वो प्रॉपर्टी जिसमें किराए की इनकम ऑलरेडी आ रही है, तो इसमें क्या बेनिफिट रहते हैं लॉन्ग टर्म में। एक तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किराए पे चली हुई है, तो हर महीने आपका उसका रिकरिंग इनकम चालू रहता है, और अच्छी कंपनी को दिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लीज होते हैं, उसके इंक्रीमेंट रेगुलर आते रहते हैं, टैक्स मेंटेनेंस कंपनी भरती है, मेंटेन भी कंपनी करती है, और लॉन्ग टर्म में जब भी वो खाली होता है तो या तो कोई दूसरी कंपनी ले लेती है या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसका एप्रिसिएशन भी बेटा है। और अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन भी लिया है तो लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मोटा मोटा आपकी जो रेंट आता है उसमें से निकल जाता है। एक तरीके से लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये एक उनकी पेंशन है, जो उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उनकी एक फिक्स इनकम आ जाती है, जिसमें घर का खर्चा या एक फिक्स इनकम जो होती है उसे एक फिक्स एक्सपेंस को वो मान देते हैं। अब बात ये आती है कि प्रीलीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। प्रीलीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जनरली जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है तभी डेवलपर से डाउन पेमेंट में उसको परचेज कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा छूटता है, क्योंकि जब भी कंपनी लेती है तो अगर आपने ऑलरेडी प्रीलीज प्रॉपर्टी लिया हुआ है और फिर रेट पे चढ़ा दे हो और बिल्डर आपको देता है, तो 6% 6.5% या 5% तो आपका रिटर्न इतना ही छूटता है। बट अगर आपने पहले से खरीदा हुआ है और उसको फिर रेंट पे देते हो तो आपका 10% से 12% इतना इंटरेस्ट रेट छूट जाता है। सो प्रीलीज प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी का जनरल सब्जेक्ट नहीं है, बट सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिशियरी जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, एप्रिसिएशन भी मिलता है, तो प्रीलीज प्रॉपर्टी में इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।